सोलन और सिरमौर की सीमा पर ओझ घाट के समीप बसे गांव थुरंग में कल सुबह मातम परस गया। जिस व्यक्ति ने भी अजय कुमार कौंडल की शहादत की खबर सुनी वे सन रह गया। वहीं शहीद अजय की मां और पिता के रो रो कर आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं। आपको बता दें कि पुलवाम जिला में त्राल के वन क्षेत्र लाम में आतंकी छुपे हुए थे, जिस पर सुरक्षा प्रहरियों की तीन टुकड़ियों ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही देर में आतंकवादी और सुरक्षा प्रहरियों में मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद अजय गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भारत माँ के लाल ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि शहीद अजय के भाई की करीब 6 माह पहले ही बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। माता पिता उसकी मौत के सदमे से अभी उबर नहीं पाए थे कि अजय की शहीद होने की खबर पहुंच गई। इस खबर से उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिक उनकी हर मंशा को नाकाम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकवादियों से उनका सामना होता रहता है और भारतीय सैनिक उनकी हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस जवाबी कार्रवाई में हिमाचल का बेटा अजय कौंडल देश की रक्षा करते शहीद हो गया है। इस मौके पर उन्होंने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद अजय की माता और पिता को वे प्रणाम करते हैं जिन्हें ऐसे जांबाज बेटे को जन्म दिया जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमारे देश के ऊपर छदम युद्ध किया जा रहा है। कश्मीर और कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर उसका सबसे बड़ा निशाना है। लगातार आए दिन वहां पर हमले होना, मोर्टार से हमले होना, आतंकवादियों की घुसपैठ करना, ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। हमारे देश की आर्मी लगातार पाकिस्तान को और सबक सिखाने में लगी है। इस कड़ी में जहां हिमाचल का एक जांबाज सैनिक, जिला सिरमौर का रहने वाला ये सैनिक 25 साल की आयु में उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ है, हम गौरव और उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसी माता के प्रति सम्मान करते हैं, ऐसे पिता को प्रणाम करते हैं।